हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी वीर लेके बैठा है, उसका जो वैलेंटाइंस का आया था ना, वो सब लेके ट्राई कर रहा है वन बाय वन। इट्स देयर ओनली, नॉट इवन हाफ वे। Just take all the things from the game. What is this? Oh, this pops in on your tongue. Dad. Oh, don't eat that. Don't eat that. It's very dangerous. Do you know that? Actually, Bhai used to tell how dangerous it. Remember, Prakash? Why is it? When Bhai was baby, Bhai used... Okay, it's I'm recording it. तो विदन गया है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ और हम लोग बैठे हैं आराम से, यहाँ टाइम पास हो रहा है हमारा शाम का। What is this wristband? Yes. When do you wear this? तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे लोगों का लॉन्ग वीकेंड है, अभी 5 डेज की छुट्टी है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। सो अभी बहुत ही रूटीन से अलग ही स्केड्यूल जाने वाला है। दोनों बच्चे गए हैं अपने अपने फ्रेंड्स के घर, विदन गया है अपने फ्रेंड के घर और वीर गया है अपने फ्रेंड के घर प्ले डेट के लिए। और हस्बैंड अभी उनका आज है ऑफिस, तो वो बिज़ी है अपने काम में, तो मैंने थोड़ा बहुत क्लीनिंग का और रेगुलर रूटीन का काम किया। बच्चे लोग आज खा के आने वाले हैं, तो मैं बनाऊंगी कुछ हेल्दी सा टेस्टी सा। तो कॉलीफ्लावर को यहाँ मैं क्रम्स कर लूँगी, एकदम छोटे छोटे से, बहुत बारीक नहीं, पर इस तरह से। तो इसकी मैं टिक्कियाँ बनाऊँगी। वैसे इस बैटर से आप चाहो ना तो अच्छे से गोभी के पराठे भी बना सकते हो। और ये जो मेरा ग्राइंडर है ना, इसमें बहुत अच्छे से हो जाता है क्रम्स, जैसे हमें चाहिए ना ऐसे ही साइज़ के, जैसे ग्रेट किया हुआ ना वैसे परफेक्ट हो जाता है। तो मैंने अराउंड 1 कॉलीफ्लावर को यहाँ पे कर लिया है ग्रेट, और साथ में गार्लिक और जिंजर की पेस्ट भी डालूंगी। घी डाल के इसको मैं करूँगी हल्का हल्का सा रोस्ट, 100% नहीं करूँगी, 50-60% रोस्ट हो जाए उतना ही करूँगी। इसे क्रिस्पी रखेंगे पर 100% कुक नहीं करेंगे, एकदम सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो जीरा और अजवाइन का तड़का दे दिया है, साथ में मैंने थोड़ा सा गार्लिक जिंजर को भी रोस्ट कर लिया है, और यहाँ पर 1 कॉलीफ्लावर पूरा डाल देंगे। इसकी टिकिया है ना बहुत टेस्टी लगती है। वैसे आप इससे पिज़्ज़ा बेस भी बना सकते हो, पर पिज़्ज़ा चीज़ के बिना जाएगा नहीं, तो मैं वो तो बनाऊंगी नहीं, पर इसके साथ एक अच्छा सा टेस्टी सा यमी सा सॉस बनाऊंगी, जिसके साथ ही टिकिया एकदम बेसिक फ्लेवर वाली भी बहुत परफेक्ट लगेगी। और मैं इसमें कोई पोटैटो ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं डालूंगी, और नहीं डालूंगी कोई भी फ्लावर। पहले बेसिक मसाले कर लेंगे। ब्लैक पेपर डाला है मैंने, सॉल्ट, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और डाला है यहाँ पे रेड चिली पाउडर। बस हमें इसे करना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे रोस्ट, ताकि मसाला भी मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा कुक हो जाए, पर ये अपनी क्रंचीनेस क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी लूज़ ना करे। हमें ये सॉफ्ट नहीं चाहिए, कुक चाहिए बट क्रिस्पी चाहिए। तो इसे मैं निकाल लूँगी और इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। अराउंड मैंने 50% ही कुक किया है, बहुत ज़्यादा नहीं। ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ पे डालूँगी मैं बाइंडिंग के लिए, और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए भी, और थोड़ा सा हो जाएगा प्रोटीन वैल्यू भी ऐड, फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा, तो बहुत सारे चीज़ें हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पनीर को ग्रेट करके एकदम बारीक बारीक सा। तो पनीर डाल देने से क्या होता है ना, बाइंडिंग में हेल्प हो जाती है और फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा। और हमें कोई कार्ब या कोई स्टार्च एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, पोटैटो डालेंगे तो स्टार्च एक्स्ट्रा आ जाएगा, वो नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा पनीर, आप कम ज़्यादा डाल सकते हो, अच्छे से डालना हो ना पनीर तभी डाल सकते हो। बस इतना ही इसे मिक्स कर लेंगे और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो उसके लिए हल्का हल्का सा ही मैं घी ब्रश करूँगी पैन में। अभी मैं सिर्फ मेरे लिए बना रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कॉल है, उनका 1 आवर का कॉल, जब वो फिनिश होगा ना तब उनको गर्मा गर्म बना के दूँगी। मुझे लगी है अभी भूख बहुत ज़्यादा, तो मैं अपना कर लूँगी लंच, ब्रंच बोल सकते हो इसे। तो इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे, और पनीर डाला है ना उससे बाइंडिंग अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉलीफ्लावर वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया, तो बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चाहिए ही। तो इस तरह से टिक्कियाँ बनाऊँगी और एकदम कम घी में इसे रोस्ट करूँगी। आप चाहो तो एयर फ्रायर में भी कुक कर सकते हो, पर इस तरह से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। आप इसमें धनिया या कोई स्पिनच ऐसे डालना चाहो ना वो भी डाल सकते हो। तो टिक्कियाँ रेडी है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी सॉस।
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा धनिया ले आई और मिंट भी थोड़ा सा डाल दिया। अभी बैकयार्ड में है ना, थोड़ा थोड़ा सा धनिया अच्छे से होना शुरू हो गए हैं। ग्रीन चिली एक डाल दी है और जाएगा यहाँ पे दही अराउंड 1/3 कप। तो दही की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हो आप। और इसमें जाएगा मेरा फेवरेट और वो है एवोकेडो। पहले मैंने सोचा था कि गोकोमली बनाओ, फिर मैंने सोचा एक अलग से ही सॉस बनाएं ताकि चटनी या सॉस का भी हमें ऑप्शन मिल जाए और टिकिया जो ड्राई भी ना लगे और उसके साथ अच्छे से खा सके। तो एक पूरा एवोकेडो यहाँ पे डाल दिया, सॉल्ट डाला है और जाएगा 1/2 लाइम जूस। आप यहाँ पे चाहो ना तो टमाटर भी डाल सकते हो आधा चॉप करके। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है रेड चिली पाउडर और रोस्टेड क्यूमिन, बस इतना ही डालना है। थोड़ा सा आप चाहो तो 1-2 स्पून जितना पानी या फिर 1-2 आइस क्यूब भी डाल सकते हो यहाँ पे। और इसके हम एकदम यम्मी सी टेस्टी सा सॉस बनाएंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पतला या गाढ़ा कर सकते हो। मैं थोड़ा सा ठीक ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा लाइक पतला पतला नहीं करूँगी। ठीक जैसे कोई सॉस हो ना उस तरह से यूज़ करेंगे। वैसे इस सॉस को आप कई दूसरी चीज़ों में भी डाल सकते हो, जैसे सैलड के लिए ड्रेसिंग उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। एकदम क्रीमी, एकदम बटरी सॉस बन जाएगा और कलर भी एकदम परफेक्ट आया। धनिया डाला था, एवोकाडो और लाइम डाला था ना, तो कलर परफेक्ट ग्रीन मेंटेन रहेगा। और मैंने इसे इस तरह से थोड़ा सा ठीक ही रखूँगी, बहुत पतला नहीं करूँगी। तो टिकिया भी हमारी गर्मा गर्म रेडी है। तो टिकिया के साथ इस सॉस को सर्व करेंगे और साथ में जाएगा थोड़ा सा फ्रूट्स। तो आजकल है ना ऑरेंज इस तरह के छोटे छोटे वाले, जो इंडिया में इसे संतरा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे वो बहुत अच्छे से मिल रहे हैं। तो उसके साथ खाने का अलग ही मज़ा आता है, हमको जूस पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ऑरेंजेस 3 यहाँ पे मेरे लिए पील कर लिया, टिकिया बना ली है और उसके ऊपर जाएगा यमी सा सॉस। और ये रेडी हो गया मेरा ब्रंच। और इतना सेटिस्फेक्शन खा के मिलेगा ना, एकदम टेस्टी भी लगता है और आपको कोई गिल्ट भी नहीं फील हो गया कि ये एकदम गिल्ट फ्री खाना, टेस्टी सा यमी सा हो गया हमारा। बाकी का सॉस मैंने यहाँ पे जार में भर के रख लिया है, ग्लास जार में भर के इसे फ्रिज में 1-2 दिन तक स्टोर कर सकते हैं अच्छे से। ऊपर से थोड़ा सा लाइम जूस डाल देना तो कलर चेंज नहीं होगा। येलो कलर में स्टिकर है ना, तो पछि एक अलग। और हम लोग आए हैं कॉस्को, वीर को पिक किया था उसकी फ्रेंड के यहाँ से और सीधे निकल पड़े हैं कॉस्को जाने के लिए। वेनर अभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ ही है, वो थोड़ी सी देर से आएगा। जब हम घर पहुँचेंगे ना तो उसको पिक करते जाएंगे। और कॉस्को में अभी है ना फर्नीचर आए हैं अच्छे से, घर में वैसे भी थोड़ा सा फर्नीचर चाहिए पर देखते हैं किस तरह से क्या करते हैं। और कॉस्को गए हो तो गैस तो फिल करवाना होता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो गैस फिल करवा के वहाँ से सीधे गए अवेदन के फ्रेंड के यहाँ। घर आ गए और बाहर देखिए इतने सारे बर्ड्स हैं, 100s of birds यहाँ पे ट्रीज पे बैठे थे और इतनी आवाज़ कर रहे थे ना। तो ये टाइम है परफेक्ट बर्ड्स का साउथ में से नॉर्थ साइड आने का। जो साउथ में चले गए होंगे ना वो इस टाइम पे यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे बहुत सारे 100s of birds दिखने मिल जाते हैं एवरीडे। और मैं दिखाती हूँ कॉस्को से क्या क्या लाई, बहुत दिनों के बाद कॉस्को गई एक्चुअली में। हस्बैंड ही मोस्टली चले जाते हैं, गैस फिल करवाते हैं और जो भी लिस्ट बनवा के दिया हो ना वो ले आते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ड्री के डिटर्जेंट सैनिटाइजर लाई, लॉन्ड्री का जो सैनिटाइजर है ना वो कपड़ों में से थोड़े से बैक्टीरिया जर्म्स ऐसी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा निकालनी हो ना उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ब्लीच नहीं यूज़ करना चाहते हो ना तो ब्लीच वैसे भी सभी कपड़ों में जाता भी नहीं है, तो सैनिटाइजर परफेक्ट ऑप्शन है। और कॉस्को गए हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स, लाइम भी वहाँ से आए। कॉस्को के लाइम्स में बहुत सारा जूस होता है और एवोकाडो तो कॉस्को जाए तो आता ही है मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में। बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस और यहाँ पे फ्रोजन मिक्स वेजिटेबल का भी एक पैकेट मैं ले आई। राइस बनाना होना तो बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है। और प्योरीफाइड वाटर बॉटल, वो इसलिए क्योंकि कहीं बाहर जाना हो ना तो कहीं चाहिए होता है कई बार, अदरवाइज़ हम अपनी बॉटल घर से फिल करके ही ले जाते हैं। और जैसे मैंने बोला ना बहुत दिनों के बाद कॉस्को गई तो मैं जाती हूँ ना तो थोड़ा ज़्यादा ही सामान आ जाता है। तो आज बच्चे लोगों के लिए रास्पबेरी आई है, 4-5 दिन की छुट्टी है ना तो थोड़ा सा फ्रूट्स ज़्यादा आता है जब बच्चे घर पे हो। और ये चॉकलेट्स भी आई, वैसे बच्चे को थोड़ी थोड़ी निकाल के दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं दूँगी, बीच बीच में खाएँगे कभी कभी।
बेगल्स भी आई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला 5 दिन की छुट्टी है ना, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है रेगुलर रूटीन से बाहर जाके। क्रशेस भी अच्छे से सेल में लगे हुए थे, तो मैं वो भी एक पैकेट ले आई जैसे कॉस्को में से। ये जो भी सेल में लगा हो ना, एक दो चीज़ वो भी मैं एक्स्ट्रा उठा लाई, जैसे स्प्रिंग रोल। तो यही हमारा डिनर होगा, स्प्रिंग रोल। आज कॉस्को के स्प्रिंग रोल बहुत टेस्टी लगते हैं, ये वेज वाले। और ये कुछ मंचिन के लिए, जैसे मैंने बोला ना बच्चे लोगों की छुट्टी है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसी के लिए एक दो चीज़ एक्स्ट्रा भी ले आई। मशरूम बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पे, तो एक पैकेट वो भी ले आई। तो मशरूम की करी बनाऊंगी, ज़रूर दिखाऊंगी मैं वो। और यहाँ पे आई कुकीज़ भी, बच्चे लोग घर पे है ना, तो कुकीज़ थोड़े दिन के लिए तो चलती हैं, तो एक पैकेट कुकीज़ का भी आया। पनीर भी ले आई, वहाँ का पनीर बहुत अच्छा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पे ही पनीर बनाती हूँ, पर गई थी कॉस्को दिख गया, तो मैं एक पैकेट वो भी ले आई। और आज यही है हमारा डिनर। बच्चे लोग लंच तो करके आए थे अपने फ्रेंड के यहाँ पे दोनों, पर आज डिनर में स्प्रिंग रोल और साथ में चटनी भी आती है, तो बहुत टेस्टी लगता है। गर्मा गर्म इसे हम एंजॉय करेंगे और एयर फ्रायर में ही फ्राई कर लेंगे। वैसे ये कुक नहीं आता है, इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत होती नहीं है। और ये अभी भी सेल, इस टाइम पे सेल में लगा था, तो जब भी ये सेल में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में आता है। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और थोड़ा सा इजी भी हो जाता है। कहीं बाहर नहीं गए थे कुछ खाना खाने के लिए बहुत टाइम से, तो फिर बाहर से इस तरह से हो गया। थोड़ा बहुत बाहर का खाना हैंड चेंज होता है ना, खाना कुक करने वाला, तो बच्चे लोगों को भी अच्छा लगता है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, उस दिन तो मैं कुछ किया नहीं बाकी का काम। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अभी सब लोग सो रहे हैं, सबकी छुट्टी है, तो मैं थोड़ा सा उठ गई। मैंने सोचा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर दें, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि नया नया स्टार्ट किया हुआ है ना, तो फिर लेग पेन करना शुरू हो जाता है। तो थोड़ी बहुत करूँगी 15-20 मिनट, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूँगी और ऐसी चीज़ें करके मैं मेरा रूटीन अब थोड़ा थोड़ा रूटीन में आने की ट्राई कर रही हूँ। वैसे गार्डनिंग शुरू कर दूंगी ना, तो इतना ज़्यादा इस तरह से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। और घर के भी काम होते हैं बहुत सारे, एवरीडे क्लीनिंग का थोड़ा बहुत काम होता है और कुकिंग तो हमारा होता ही है, बच्चे लोगों के साथ भी यहाँ वहाँ दौड़ना होता ही है। वीरा भी छोटा है ना, तो उससे भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवानी होती है, तो मेरी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है और वॉक भी हो जाती है। पर अभी तो टेम्परेचर सुबह के टाइम पे इतना अच्छा नहीं रहता है, टेम्परेचर डाउन ही रहता है, तो बाहर वॉक करने का मन नहीं करता है। और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके बैठ गई, इसका रीज़न ये है ना, कई दिनों के बाद अब ट्रेडमिल और ऐसी चीज़ें करो ना, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, उसे करने के बाद तभी आपको फ्रेश फील होता है। तो बाहर कुछ ऐसा है वेदर, वैसे सनी हो जाएगा। अभी टेम्परेचर एक दो दिन थोड़ा सा डाउन होने वाला है, नॉर्थ में सुना है स्नो फॉल होगा, तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा एक दो दिन डाउन हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा बैकयार्ड भी क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, जिस दिन टेम्परेचर अच्छा होता है ना उस दिन थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया, ताकि हम प्रिपेयर कर सके पूरा गार्डन वेजिटेबल गार्डनिंग करने के लिए। तो मैंने ब्लाइंड्स और सब कुछ ओपन कर दिया, रोबोट को भी स्टार्ट कर दिया है और मैं जाऊंगी नहाने के लिए। नहाने के बाद होगा ब्रेकफास्ट हमारा, तो ब्रेकफास्ट एकदम सिंपल हो गया क्योंकि आई थी बेगल कल कॉस्को से, तो सब लोगों ने बेगल और क्रीम चीज़ ही खाया। तो आज बनाऊंगी एक यम्मी सी सब्ज़ी, जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बनाती हूँ, सीज़न में 1 या 2 बार ही बनाती हूँ। तो आज मेरे पास बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स थी, तो मैंने सोचा वही बना लूँ। ब्रोकली निकाल ली है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पे मैं पटुआ लाई थी इंडियन स्टोर में से, सेल में आया था तो मैं एक पैकेट ले आई थी। वैसे हमारे यहाँ पे बथुआ नहीं खाया जाता, मैंने तो US में आके ही सुना कि बथुआ नाम की कोई चीज़ भी होती है जो बहुत ही हेल्दी होती है, पर विंटर में ही खाई जाती है मोस्टली। तो एक पैकेट उसका मैं यूज़ करूँगी, साथ में ब्रोकली जाएगी, और मेरे पास है ना मूली की थोड़ी सी पत्तियाँ थी पड़ी, थोड़ी सी स्पिनच थी, बस इतना ही ग्रीन लीफी वेजिटेबल था, तो उसका ही यूज़ करके मैं साग जैसा बनाऊंगी मेरी स्टाइल में, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर मेरे घर में है ना इस तरह का साग सभी को इतना खास पसंद आता नहीं मेरे सिवा। वैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल इस दूसरी तरह से बना के दो ना तो खा लेंगे, पर इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर सीजन में 1-2 बार तो चलता है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, बथुआ थोड़ा सा सॉइल वाला था तो मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन किया था, तो बथुआ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इस तरह से साग बनाओ तो। उसमें मेथी मेरे पास थी नहीं फ्रेश अभी, तो मैंने ये 4 ही चीज़ें यहाँ पे
कुकर में रख दी है। 1/4 कप जितना पानी डाल के इसे मैं अराउंड 7 मिनट तक प्रेशर कुक करूँगी ताकि सब अच्छे से कुक हो जाए। आप चाहो ना तो हल्का से नींबू का रस भी डाल सकते हो ग्रीन कलर मेंटेन करने के लिए प्रेशर कुक करते टाइम। तो प्रेशर कुक हो गया है और एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई है सब्जी। तो इसे हमें अच्छे से करना है ब्लेंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने कई सारी चीज़ें देखी होगी ना डंठल के साथ ही डाल दी थी, लाइक ब्रोकली और फिर मूली के जो पत्ते थे ना वो भी डंठल के साथ। तो इस तरह से अच्छे से क्रश कर लेना है। तो सबसे पहले शुरुआत में करूँगी सब्जी में बेसन को इस तरह से रोस्ट करके। तो 1/4 कप जितना बेसन ले लिया है मैंने, इसे अच्छे से रोस्ट करके पहले रख देंगे। अगर आपके पास सत्तू हो ना तो सत्तू को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, तभी कोई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेल्दी भी हो जाएगा। पर मेरे पास सत्तू अभी है नहीं तो मैंने बेसन को रोस्ट कर लिया। बच्चे लोगों के लिए अलग सब्जी बनाई थी मैंने, क्योंकि बच्चे ये खाएंगे नहीं इतना ज़्यादा, 1-2 चम्मच खाएंगे उतना ही। तो यहाँ पर जीरा अजवाइन और रेड चिली डाल दिया है मैंने, मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। मस्टर्ड ऑयल में टेस्टी भी बहुत लगती है और एक फ्लेवर आता है एक्स्ट्रा। मेथी के दाने डाल दिए हैं और जाएगा हींग। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो तो अजवाइन और हींग ये डालना चाहिए, तो डाइजेशन में अच्छा रहता है और गैस नहीं फॉर्म होता इतना। और ये साग में है ना मेरे स्टाइल से मैं बना रही हूँ, तो मुझे ट्रेडिशनली किस तरह से बनता है वो पता नहीं, पर इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो मैंने अराउंड 2 टेबलस्पून जितना डाला है गार्लिक चॉप करके और 1 अनियन मीडियम साइज़ का। सॉल्ट डाल के इसको हम पकाएंगे जब ब्राउन होना स्टार्ट हो तब तक, इसे ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही ब्राउन होना स्टार्ट हो तब हम इसमें डाल देंगे जो बेसन हमने रोस्ट करके रखा था ना वो डाल देंगे। बेसन से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में भी थिकनेस आएगी और सिर्फ पत्तियाँ डालेंगे ना तो फिर इसका फ्लेवर बेसन से थोड़ा सा एनहांस हो जाएगा। बेसन वैसे भी फ्लेवर एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे बेसिक मसाले करेंगे। कसूरी मेथी डाली है मैंने, क्योंकि मैंने मेथी डाली नहीं थी इसलिए। हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर और सॉल्ट। बस हम मसाले को थोड़ा थोड़ा सा भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं। रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर बच्चे थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो इतना स्पाइसी उन लोगों को पसंद नहीं आएगा। आप चाहो ना तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हो, जब हमने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को थोड़ा सा बॉईल किया है ना उस टाइम पे फ्लेवर के लिए। अब सब मसाले डाल के बेसन डाल के इसे हमें रोस्ट करना है अच्छे से, खुशबू ना आनी शुरू हो जाए ना अच्छी सी घर के अंदर, तब तक रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। और अच्छे से रोस्ट हो जाए मसाले सभी, उसके बाद हम लोगों ने जो पेस्ट बना के रखी थी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की उसको डाल देंगे यहाँ पे। कर देना है अच्छे से मिक्स और इसे थोड़ी देर अच्छे से पकने देना है। तो ये मेरी स्टाइल का साग है, जैसे मैंने बोला मुझे इसमें अनियन का जो चंक्स आता है ना खाने में वो बहुत टेस्टी लगता है। वैसे सिर्फ पेस्ट होगी ना लीफी वेजिटेबल की तो बहुत टेस्टी नहीं लगता, इसलिए मैंने अनियन को ब्राउन नहीं किया, हल्का हल्का सा ही इस तरह से रखा। सॉल्ट एडजस्ट कर लेना है और ऊपर से बटर या फिर घी 1 चम्मच डाल दीजिए। आप चाहो तो पहले ऑयल कम यूज़ कीजिए पर बाद में इस तरह से बटर या घी डालिए। और इसे कोई भी रोटला हो ना, रोटला बोल रहे हैं रोटियाँ नहीं, लाइक बाजरे का रोटा, व्हीट फ्लावर की रोटी के से अलावा कोई भी रोटी के साथ सर्व करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो मक्के का तो नहीं, पर मैं बाजरे का रोटला यहाँ पर बनाया है उसके साथ गर्मा गर्म सर्व किया, और कुछ नहीं, बहुत ही टेस्टी बना था आज। तो सब लोगों का लंच हो गया है और वीर लगा है यहाँ, वीर और प्रकाश दोनों लगे हैं यहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। दोनों गा भी रहे हैं और म्यूज़िक भी चल रहा है। तो बच्चे लोगों को ये एक्टिविटी करवानी ज़रूरी होती है जब ये घर पे होते हैं, स्क्रीन से दूर रखना एक टास्क हो जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आए, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।